दिल्ली हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 14 मामलों में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। प्रवीण रंजन का यह बयान, सिलसिलेवार तरीके से जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है, आरोपियों पर इनाम का ऐलान भी किया गया है। लाल किले में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से कुछ उपद्रवियों ने अंदर घुसकर लाल किले में तबाही मचाई थी और धार्मिक झंडा वहां पर फहराया गया था, अब इस मामले में जो उपद्रवी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ का काम तेज कर दिया गया है। इस वक्त क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी प्रवीण रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक जांच कहां पहुंची इस पूरे मामले में? देखिए, 14 मामले क्राइम ब्रांच के पास हैं और बाकी मामले लोकल पुलिस जांच कर रही है, और इसमें हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की है। जितने भी एविडेंस अवेलेबल हैं उसको क्राइम ब्रांच कलेक्ट कर रही है, साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रही है, और जो फुटेजेस वगैरह जो हमको मिल रहे हैं हमारी अपील के माध्यम से और जो हम लोगों के अपने सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हैं, उन एविडेंस को भी एग्जामिन किया जा रहा है। सर, दीप सिद्धू के और अन्य 8 लोगों के खिलाफ 1,50,000 रुपये तक के इनाम घोषित किया गया, कोई सर लीड इनके बारे में अभी तक मिल पाई है क्राइम ब्रांच को? हमारी टीम्स रेड कर रही हैं इनको अरेस्ट करने के लिए, और जगह जगह पर हम लोगों ने बाकी अपने नेबरिंग स्टेट्स की पुलिस वगैरह से भी हम मदद की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है ताकि लोग इनके बारे में अगर कोई किसी के पास कोई जानकारी हो तो हमसे शेयर कर सकें। हमने लोगों की सूचनाओं को गुप्त रखने का भी उनको एश्योरेंस दिया है। सर, अगर बात करें लाल किले में जो उपद्रव हुआ उसको लेकर अब तक तफ्तीश कहाँ पहुंची? वहाँ से कुछ बताते हैं कलश भी गायब हुए हैं, तो उसको लेकर लाल किले में जो उपद्रव हुआ उसको लेकर कोई अरेस्टिंग अभी तक क्राइम ब्रांच ने की है? लाल किले में ऑलरेडी एक लड़के को हमने अरेस्ट किया है जो वहाँ पे उस दिन हिंसा में शामिल था और जिसने CISF वालों पे अटैक किया था। उसके अलावा और भी कई लोगों की पहचान हो गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।